पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज दीपावली का दिन है, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी सब्सक्राइबर भाइयों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो के आगे ले जाने के पहले मैं एक बार मैं आपको बता दूं, पिछले 10-15 दिनों से हम कंटिन्यूअसली फीट फॉर्मुलेशन के रिगार्डिंग वीडियोज बना रहे हैं। किस तरीके से हमें फीट बनाना है, कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, कौन से कंटेंट ज़्यादा लेना है, कौन से कंटेंट कम करना है, इस सभी के सभी टॉपिक्स पर हमने बात करी हुई है। जैसे कि आपके जानकारी के लिए एक बार बता दूं, लेयर फीट फॉर्मुलेशन, कमर्शियल लेयर फीट फॉर्मुलेशन, ब्रॉयलर स्टार्टर, फिनिशर फीट फॉर्मुलेशन, देसी मुर्गी का प्रीस्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर फीट फॉर्मुलेशन, इन सभी टॉपिक पर हमने वीडियो बनाए हैं। अगर आपने अभी तक के वीडियोज नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज की लिंक दी हुई है, वहां पर जाकर आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो जैसे कि आज का वीडियो का टॉपिक यह है दोस्तों कि जब कभी भी हम नया नया पोल्ट्री फीड बनाना शुरू करते हैं तो कौन सी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। नंबर वन, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मुर्गियों का जो बॉडी वेट होता है दोस्तों वो अनइवन होता है, यानी कि कोई मुर्गी आपकी ज़्यादा वजन की हो जाती है तो कोई मुर्गी आपकी कम वजन की हो जाती है। जो कि आपको पता है प्रॉफिटेबल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए हर एक मुर्गी का वजन एक एवरेज वजन का होना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, मुर्गियों का FCR बढ़ जाता है। आपकी मुर्गी फीड तो ज़्यादा खाती है लेकिन रेडीमेड कंपनी के फीड के जैसे आपको वजन नहीं देती, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों कि डायरिया और कॉक्सिडिट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको हर एक बैच में फेस करना पड़ता है जब कभी आप नया फीड बनाते हो और अपने मुर्गियों को खिलाते हो। तो सबसे पहले जो तीनों भी प्रॉब्लम है ना दोस्तों, इसका सोल्यूशन अगर आपको निकालना है ना, तो ये जो प्रॉब्लम हो क्यों रहा है इसके जड़ को अगर आप ढूंढ लेते हो तो वही उसी में सोल्यूशन आपका निकल आता है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं, मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है। आज के वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक डेली बेसिस पर पोल्ट्री के एक नॉलेजेबल वीडियोज बनाने में हमें मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है दोस्तों, मुर्गियों का अनइवन बॉडी साइज, यानी कि आपकी मुर्गी कोई 2200 ग्राम की हो जाती है तो कोई दूसरी आपकी ब्रॉयलर 1600 ग्राम की रहती है। देसी मुर्गी की बात करते हैं तो कोई आपका मुर्गा 1200 ग्राम का हो जाता है तो कोई मुर्गा 600-700 ग्राम का होता है। जब हम नया नया पोल्ट्री फीड बनाते हैं हमारे खुद के पोल्ट्री फार्म पर तो ये प्रॉब्लम हमें क्यों होती है, ध्यान से समझिएगा। ज़्यादातर जो भी पोल्ट्री फार्मर खुद का फीड खुद के पोल्ट्री फार्म पर बनाते हैं तो मेजॉरिटी में 90% में वो मैश फीड बनाते हैं। या दोस्तों तीन प्रकार का फीड होता है, एक तो क्रम फीड होता है, एक प्लेट फीड होता है और तीसरा होता है मैश फीड। अगर आप रेडीमेड कंपनी का फीड बनाते हो तो 99.99% कंपनियां क्रम या फीड या फिर प्लेट फीड ही बनाते हैं। जो कि हम नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं, प्लेट बनाने की मशीन और उसके बाद उसको और से तोड़ने की दूसरी मशीन हमें स्टार्टिंग में लेना काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक्स को देखते हुए बहुत ज़्यादा महंगे जाते हैं, इसलिए हम मैश फीड बनाते हैं। मैश फीड बनाने के लिए बस आपको एक दोस्तों ग्राइंडर चाहिए होता है और एक चाहिए होता है मिक्सर। तो दोस्तों जब कभी भी आप मैश फीड बनाकर अपने मुर्गियों को खिलाते हो तो जैसे कि आप सभी को पता है मुर्गियां दाना चुगने के लिए बनी है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके चोच में आती है उसको वो खा सकती है। लेकिन वही अगर आप उसको पाउडर फॉर्म वाली कोई चीज़ खाने को दोगे तो वो प्रॉपर तरीके से उसको इंटेक नहीं कर पाती। यही एक दिक्कत वाली बात है जिसके कारण आपके मुर्गे का अनइवन बॉडी साइज हो रहा है। प्रॉपर तरीके से समझिएगा, आपने मैश फीड बनाया प्रीस्टार्टर, स्टार्टर या फिर फिनिशर, आपने उसके मुर्गियों के वजन और मुर्गियों के साइज के हिसाब से ग्राइंडर में उस फीड को डालकर उसके टुकड़े करें, ठीक है। तो मुर्गी क्या करती है, जो ऊपरी टुकड़े होते हैं चाहे फिर वो सोया डीओसी के हो, गेहूं के हो या फिर कोई राइस पॉलिश को, वाट एवर कोई भी कंटेंट्स के हो, वो पहले चुग लेती है। उसके बाद बचता है दोस्तों जो भी फीडर का कटोरा होता है उसमें पाउडर फॉर्म वाली जो कुछ भी होता है, जो गेहूं का आटा होता है या फिर पाउडर फॉर्म वाली कोई फीड सप्लीमेंट्स होते हैं, कोई एडिक्टिव्स होते हैं, मिनरल मिक्सर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पूरे के पूरे जो आपका कटोरा होता है फीडर का तो उसमें वो रह जाती है। तो ऊपर के पूरे दाने चुगने के बाद जो पाउडर फॉर्म होता है वो कोई दूसरी मुर्गियाँ खाती है। तो आप सभी को एक बार बता दूं, जो भी पाउडर फॉर्म वाला फीड होता है दोस्तों उसमें ज़्यादातर एडिक्टिव फीड सप्लीमेंट्स वापर होते हैं, जिसके कारण पाउडर खाने वाले मुर्गियों का बॉडी वेट बढ़ जाता है कंपेरेटिवली जिसने ऊपर के मक्का या फिर गेहूं के दाने चुग लिए। जो कि ये बात प्लेटफॉर्म में या फिर क्रम में जो फीड बनाती है रेडीमेड कंपनी वाली फीड, इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता, जब कभी भी प्लेट फीड निकलता है प्लेट के फॉर्म में तो वहाँ पर जितने भी एडिक्टिव होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, फीड सप्लीमेंट्स होते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और जिस तरीके से मैच फीड में एक हमारी मुर्गियों को आज़ादी होती है कि वो अपने मन मुताबिक एक तो दाना चुगेगी या फिर पाउडर खाएगी,
ये ऑप्शंस या फिर दाना चुगने की जो आजादी है ये प्लेटफॉर्म वाले फीड में या फिर क्रम फीड में नहीं होती। ये सबसे मेन कारण है। इसी कारण से आपका जो मुर्गियों का बॉडी वेट होता है वो अनइवन बॉडी साइज आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रॉपर तरीके से जो मैच फूड होता है मिक्सर में मिक्स करते हो और प्रॉपर तरीके से मुर्गियों के उम्र के हिसाब से मुर्गी के वजन के हिसाब से ग्राइंडर में से उसका ग्राइंड का दाना निकालते हो तो ये प्रॉब्लम आप ओवरकम कर सकते हो। लेकिन मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर ही चुके हो मिक्सर और ग्राइंडर के पीछे तो एक 60,000-70,000 तक आपको पिलेट मेकिंग मशीन आती है, अगर वो आप ले लेते हो तो अनइवन बॉडी साइज से हमेशा के लिए आपका छुटकारा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, मुर्गियों का एफसीआर बढ़ जाना। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है अगर आप रेडीमेड कंपनी का फीड खिलाते हो तो एक प्रॉपर तरीके से आपको एफसीआर भी आता है, आपके मुर्गियों का अनइवन बॉडी साइज भी नहीं होता। तो आप जब अपना खुद का फीड बनाते हो तो आपका एफसीआर क्यों बढ़ जाता है, समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो मेजॉरिटी जो भी पोल्ट्री फीड बनाते हैं अपने पोल्ट्री फार्म पर तो यूट्यूब पर आकर वो कोई कोई वीडियो देख लेते हैं, फीड फॉर्मुलेशन के वीडियो देख लेते हैं और उसी को देखते हुए अपने घर पर अपने पोल्ट्री फार्म पर फीड फॉर्मूला बताते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भी न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर फीड फॉर्मेशन जो प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स बताते हैं, अगर उनकी कंसल्टेंसी लेकर अगर आप फीड फॉर्मेशन फीड बनाते हो तो आपका एफसीआर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी कि आपकी मुर्गी ज़्यादा फीड खाएगी और कम वजन देगी। इस तरीके से प्रॉब्लम अगर आप कोई न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट या फिर जो फीड फॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं डॉक्टर्स वगैरह उनसे अगर फीड फॉर्मेशन लेते हो तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन यूट्यूब में क्या होता है ना दोस्तों, कि मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे हैं, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो देखता है और उसी के पूरे को फीड फॉर्मेशन लेके अपने वीडियोज में बता देता है। कई बार तो यूट्यूबर्स लोग ये भी नहीं बताते कि जो भी फीड फॉर्मेशन वो बता रहे हैं वो देसी मुर्गियों के लिए है, देसी लेयर मुर्गी के लिए है या फिर कमर्शियल लेयर मुर्गी के लिए, ब्रॉयलर के लिए या फिर देसी मुर्गी के लिए, वो बताते ही नहीं। एक बार मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर आप फीड फॉर्मूला यूट्यूब पर से देखते हो तो जैसे कि मान के चले कोई यूट्यूबर फीड फॉर्मूला आपको बता रहा है, उसके जो फीड फॉर्मूलेशन में है या फिर जो भी 100 kg का वो फीड फॉर्मेशन बता रहा है उसमें उसने पर 1 kg 2,700 kcal और 19% क्रूड प्रोटीन के हिसाब से फीड फॉर्मूला अगर आपको बताया होगा तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, अगर आपकी ब्रॉयलर की बात है या फिर अगर आप अपने पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर डालते हो तो वो तो आप फीड उसके फीड फॉर्मूलेशन के हिसाब से पर 1 kg 2,700 kcal और क्रूड प्रोटीन 19% वाला आपने फीड बना लिया। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास ब्रॉयलर मुर्गिया है तो उसके लिए मिनिमम 21% से लेकर 20% क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होती है और पर 1 kg में 3,100 kcal से लेकर 3,300 kcal पर 1 kg में मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, आपने उस यूट्यूबर्स का फीड फार्मूला लेके 2,700 kcal वाला फीड फार्मूला बनाया है और उसमें 19% क्रूड प्रोटीन है मात्र। तो जिसके वजह से जितना ब्रॉयलर को 21% क्रूड प्रोटीन और पर 1 kg में 3,300 kcal एनर्जी चाहिए उतनी उसको मिल नहीं पाती, जिसी कारण आपका एफसीआर बढ़ जाता है। इसका मतलब आपकी मुर्गी ज़्यादा खाना खाती है और वजन आपको कम आता है। इसलिए मैं बताता हूँ, अगर आपको अपने पोल्ट्री फार्म फीड बनाना है तो कोई न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट से बात कीजिए या फिर कोई डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले लीजिए फीड फॉर्मेशन रिगार्डिंग, जिस कारण आपको कम फीड में ज़्यादा वजन आएगा, आपका एफसीआर भी मेंटेन रहेगा। तीसरा प्रॉब्लम दोस्तों, डायरिया और कॉक्सीडियोसिस की हर बैच में प्रॉब्लम आना। तो इसको समझने के पहले हम एक दूसरे पॉइंट को समझते हैं, जैसे कि मान के चलो दोस्तों अगर आप अपने पोल्ट्री फार्म खुद का फीड नहीं बना रहे हो तो मेजॉरिटी चांसेस है कि जो भी फीड सप्लाई करते हैं उनके तरफ से आप अपने मुर्गियों के लिए फीड लाते हो, चाहे फिर वो देसी मुर्गी का हो, चाहे फिर वो लेयर मुर्गी का हो, चाहे फिर वो ब्रॉयलर मुर्गी का हो। तो जब कभी भी आप जैसे मान के चलो अगर आपने अपने पोल्ट्री फार्म पर देसी मुर्गियों की 1,000 की बैच डाली है तो 50 kg के लगभग 60 बोरी से लेकर 70 बोरी आपको उस बैच के लिए लगती है। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेजॉरिटी जो भी कस्टमर्स होते हैं वो 60 से लेकर 70 बोरी एक दफा स्टॉक नहीं करते अपने पोल्ट्री फार्म पर। वो क्या करेंगे, 5-10 दिन में 5 बोरियाँ लाएंगे, 5 दिन के बाद और से 10 बोरियाँ लाएंगे, उसके बाद 5-6 दिन के बाद और से 4-5 बोरी लाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो थोड़ी थोड़ी बोरियाँ लाते हैं, पूरा का पूरा 60 से लेकर 70 बोरी एक दफा वो स्टॉक अपने पोल्ट्री फार्म पर नहीं करके रखते। तो जो भी पोल्ट्री फीड सप्लायर होता है कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि उसका देसी मुर्गी का फीड पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ऐसे में कस्टमर उसके पास जाता है तो वो अगले वाला फीड सप्लायर बोलता है कि भाई जो भी देसी मुर्गी का जो भी फीड है वो 4-5 दिन के बाद आएगा, ब्रॉयलर का फीड तो आप खिला नहीं सकते क्योंकि तो वो महंगा है, तो आप एक काम कीजिए आप लेयर फीड को लेके चले जाइए जो कि गावरान फीड से 150-200 रुपये से सस्ता है। तो ऐसे में क्या होता है ना दोस्तों कि गावरान फिनिशर या फिर स्टार्टर में नियर अबाउट 2,800 kcal हम मेंटेन करते हैं, वहीं पर लेयर फीड फॉर्मेशन में कमर्शियल लेयर फीड फॉर्मुलेशन में 2,700 kcal और देसी मुर्गियों के लेयर फीड फॉर्मेशन में हम 2,500-2,600 kcal मेंटेन करते हैं। उसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा भी कम ज़्यादा होती है, जिसके वजह से आपका अगर फीड चेंज होता है तो आपकी मुर्गी डायरेक्टली पतली बीट करना शुरू कर देता है। या दोस्तों पतली बीट आपका जरूर करेगा अगर आप कोई कंपनी के दाने से दूसरे कंपनी के दाने की तरफ शिफ्ट होते हो या फिर दाना अगर चेंज करते हो तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि पहले वाले दाने को दूसरे वाले दाने से अगर कंपेयर करते जो आपने बदल कर दाना लिया उसमें किलो कैलोरीज और प्रोटीन की मात्रा अगर कम ज़्यादा है
या फिर पहला जो फीड आप खिला रहे थे और दूसरा जो फीड आपने खिलाया उसमें अगर फीड फॉर्मुलेशन बनाने का जो भी कंटेंट है वो अगर कम ज्यादा है तो आपको डायरेक्ट के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो यही प्रॉब्लम दोस्तों आपको इसलिए फेस करना पड़ता है क्योंकि मेजोरिटी जो भी कस्टमर्स होते हैं वो अपने पोल्ट्री फॉर्म पर मैच फीड बनाते हैं। तो मैच फीड एज कम्पेयर टू जो मार्केट में कंपनी का रेडीमेड पीरियड फॉर्म वाला या फिर क्रम फीड वाला जो फीड आता है उसके कंपेरिज में अपने मुर्गियों को थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा हार्ड जाता है। और दूसरी बात, बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो भी एंटीकॉक्सिडियल पाउडर फॉर्म वाली मेडिसिन आती है वो अपने फीड पर नहीं मिलाते। एंटीकॉक्सिडियसिस वाली मेडिसिन क्या करती है दोस्तों कि प्रिवेंशन की तरफ काम करती है, अपने मुर्गियों को जो रक्तिहगन बोलते हैं ना इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो प्रिवेंशन की तरफ काम करती है, यानी कि आपके मुर्गियों को प्रॉब्लम आने ही नहीं देती। लेकिन जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में हमारे पोल्ट्री फार्मर्स एंटीकॉक्सिडियस वाली कोई भी मेडिसिन या फिर टॉक्सी बाइंडर जैसे पाउडर वगैरह अपने फीड पर नहीं मिलाते हैं। इसी कारण दोस्तों आपके मुर्गियों को डायरिया और कॉक्सिडियस का प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि कॉस्ट कटिंग अपनी जगह पर सही है, लेकिन इतनी भी कॉस्ट कटिंग मत कीजिए कि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होगा और जो भी आप मार्केट से दवाई लेके आ जाओगे जितना पैसा आपने बताया था कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उससे दोगुनी रकम आपको मेडिसिन के ट्रीटमेंट करने में चली जाएगी। तो अगर मन में कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का एक पॉलिटिकल नॉलेज वीडियो लेके मिलता है आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।